हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरू जॉट ऑफ ब्लॉग। दोस्तों, रिसेंटली टाटा मोटर ने अपनी मोस्ट पॉपुलर 5 सीटर प्रीमियम एसयूवी हैरियर की फेसलिफ्ट अवतार को भारतीय बाजार में बहुत ही जबरदस्त डिजाइन डायनेमिक्स के साथ उतारा है। यही नहीं, टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर 6 सीटर और 7 सीटर एसयूवी सफारी को भी भारतीय बाजार में इसके फेसलिफ्ट अवतार को भी उतार दिया है। दोनों ही एसयूवीज में मात्र 70,000 का यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। दोनों ही एसयूवी को ग्लोबल एनसीवी क्रेशर्स में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है दोस्तों। और जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, टाटा सफारी फेसलिफ्ट 2023 का जो रोड प्रेजेंस है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है। बहुत कुछ चेंज किया गया है। फर्स्ट इन सेगमेंट इसमें फीचर्स दिए गए हैं जो कि अन्य किसी एसयूवीज में आपको नहीं मिलते हैं, और एडास लेवल 2 इसमें प्रोवाइड किया गया है। इन दोनों ही एसयूवीज में फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स जैसे कि कनेक्टिंग LED डे टाइम रनिंग लाइट, कनेक्टिंग LED टेल लैम्प यूनिट, फ्रंट पार्किंग कैमरा, साइड पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, पावर टेलगेट ओपनिंग, साथ ही आपको मिलते हैं फर्स्ट इन सेगमेंट कीलेस एंट्री, पावर ड्राइवर सीट विथ वेलकम गेस्चर। बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे लेदर अपोस्टरी दिया गया, वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर किए गए हैं, 4 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और 12.3 इंच का लार्ज फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल दिया गया है। दोनों ही एसयूवीज में मल्टी टेरेन मोड्स के साथ आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। लेकिन 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 दोस्तों, इतने फीचर्स के होने के बावजूद भी इन दोनों ही एसयूवीज में केवल और केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, वो है BS6 सेकेंड स्टेज RDNE20 कंप्लाइंट 2 लीटर 4 सिलेंडर क्रायटेक टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 170 PS की पावर एंड 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये दोनों ही एसयूवीज खासकर उन लोगों के लिए है जो कि 4-5 साल गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद इसे सेल आउट कर देते हैं और नई गाड़ी परचेज कर लेते हैं। लेकिन उनका क्या, जो लोग 10 से 15 साल इसे कम से कम रखेंगे। अगर आप टाटा हैरियर और टाटा सफारी परचेज करना चाहते हैं और जिसे आप कम से कम 15 साल रखना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका इंतज़ार यहां पे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी टाटा हैरियर और टाटा सफारी जो है पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च हो रही है, जिनकी वैलिडिटी 15 ईयर्स की होगी दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि टाटा सफारी और टाटा हैरियर जो है पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होने जा रही है, जिसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है दोस्तों अर्ली 2024, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर 2024 तक ये लॉन्च होने जा रही है। जहां तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें अवेलेबल होने वाली है BS6 सेकेंड स्टेज RDNE20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TGDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 170 PS की पावर एंड 280 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है। ट्रांसमिशन आपको मिलने वाले हैं 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन।